हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने हैं त्रिकोणमिति के क्लास फोर। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो हम लोगों को इसके बराबर इसको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसको तोड़ के इसको लाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा ले लेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ले लेंगे। अब उसके बाद इसका लसा लेंगे इन दोनों का, साइन थीटा और वन का, तो साइन थीटा लसा हो जाएगा इसका। अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कोई परिवर्तन नहीं होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और साइन का इसमें साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे प्लस में तो कॉस सही है, यहाँ पे साइन जो है साइन प्लस में है, तो इसको हम लोग आगे के हैं और इसको साइन को पीछे के हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे वन हो जाएगा ऊपर और नीचे साइन थीटा। तो साइन वन अपन साइन होता है कोसेक थीटा का, तो वन अपन साइन होता है कोसेक थीटा। तो हम लोग को मिल चुका है कोसेक स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस वन अपान सेक थीटा माइनस वन। हम लोग को सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाना है किसी तरह से। तो हम लोग पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये फार्मूला आता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा के स्थान पर रख लेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे पूरा के बटा लगा देंगे, यहाँ पे फिर इसको तोड़ेंगे साइन थीटा पान कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे साइन थीटा और इसके नीचे जब कुछ नहीं दिया है तो इसके नीचे एक लिख लेंगे ताकि लसा लेने में आसानी रहे। तो अब इसका लसा लेंगे और नीचे का लसा इसका लेंगे। तो पहले इसको बना लेंगे इस तरह से, सबसे पहले इसका लसा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो लाइट कटने की वजह से हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पे इसका लसा लेंगे तो कॉस थीटा होगा और इसमें इसका गुणा करेंगे एक में साइन थीटा का, तो यहाँ पे साइन थीटा होगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, कॉस थीटा का साइन में करेंगे तो साइन थीटा इंटू या गुणे लगा देंगे कॉस थीटा और नीचे भी यही काम करेंगे, तो नीचे कॉस थीटा और इसका लसा ले चुके हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे साइन थीटा इंटू यानी गुणे के चिन्ह लगा देंगे कॉस थीटा। तो हम लोग इसको और इसको काट लेंगे, यहाँ पे हम लोग का इसका गुणा इसमें करना होता है और इसका गुणा ऊपर करना होता है, तो इससे एक कट जाएगा तो बचेगा क्या देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले
साइन थीटा काम लेंगे, इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, तो इसमें से पहले साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस, और इसमें से साइन थीटा चला जाए तो बचेगा कास कास थीटा नीचे, तो नीचे भी वही काम करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से साइन थीटा, और बचेगा वन माइनस कास थीटा। अब यहाँ से साइन काट देंगे आसानी से, और बचेगा वन प्लस कास वन माइनस कास। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो सेक में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस दिया है वन, तो यहाँ पे माइनस वन दिया है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो साइन का कास परिवर्तन जब करेंगे तो इसका माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे प्लस कर देंगे कास ठीक, अरे यहाँ से करेंगे सेक थीटा प्लस वन, और नीचे कर देंगे सेक थीटा माइनस वन। ये हम लोगों का आंसर है। हम लोग अगर यहाँ पे नहीं काटते, हम लोग यहाँ पे नहीं काटते तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से हम लोग पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा वन प्लस कास थीटा, और नीचे कास थीटा रहेगा ये, और इसमें भी साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन माइनस कास थीटा, बता कास थीटा। तो यहाँ से इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस कास थीटा अपान कास थीटा, और पूरा का बटा वन माइनस कास थीटा अपान कास थीटा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, हम मिटा के ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है वन प्लस कास थीटा अपान कास थीटा, तो हमको पता है कि वन के अपान में ये है और इसके अपान में भी है, तो इसको पहले तोड़ लेंगे, वन अपान कास थीटा प्लस कास थीटा अपान कास थीटा, यानी इसके बटा में भी है इसके बटा में भी, तो इसका इसको काट लेंगे, तो वन अपान कास होता है सेक थीटा प्लस, यहाँ पे कट जाएगा तो वन बचेगा। ये काम हम लोग नीचे भी कर लेंगे आसानी से, आंसर हम लोग का मिल जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन अपान वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग को सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाना है, किसी भी तरह से लाएं उसको लाना है। तो यहाँ पे हमको पता है सबसे पहले, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का फार्मूला आता है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो जब हम लोग इसको इस तरह से लाना है, इसको इस किसी भी तरह से इसको तोड़ कर इसको लाना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन अपान कास स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो हम लोग कास दिया है, तो कास दिया है इस फॉर्म में हमको तोड़ना है, तो इसको रोक लेंगे कास को, तो यहाँ पे बराबर है, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो वन अपान वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये हम लोग का आंसर है।
तो हम लोग का चौथा क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को इसको तोड़ के इसको लाना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग पता है कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा पास साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा पास साइन थीटा। तो हम लोग को इसको तोड़ के इसको लाना है। तो यहाँ पे देखिए cos है और यहाँ पे भी cos है, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी इंटू का चिन्ह है, तो दोनों से cos स्क्वायर थीटा कामन ले लेंगे। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा दोनों में से कामन ले लेंगे। तो यहाँ पे से जब बाहर निकल जाए तो यहाँ पे वन बचेगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ से cos तो चला जाएगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बचेगा। तो हमको इधर जैसा लाना है, सिद्ध करना है। तो वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दिया वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो बराबर रख देंगे cosec स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ इसके बराबर cosec रख देंगे cosec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पता है कि cosec थीटा बराबर होता है वन अपान साइन थीटा। तो cosec स्क्वायर तो साइन स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इंटू वन अपान साइन स्क्वायर थीटा। हमने अभी सीखा है कि cos थीटा अपान साइन थीटा, यानी यहाँ पे जब वन में cos का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा।